नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज प्लस 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ सांसद सचिव एवं विधायक कुंवर सिंह निषाद आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए उनसे एक मुलाकात के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सीजी न्यूज प्लस 24 के संपादक आर के देवांगन से वार्तालाप करते हुए। राजीव नाम के शब्द की सार्थकता ही उनकी यह पहचान है। जीवों के दिल में बसने वाले, लोगों के दिल में बसने वाले का नाम राजीव गांधी का नाम आज भी लोगों के ध्यान में चिरस्थायी बनकर यादें को सफल सके लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। याद है मुझे वो दिन 27 अक्टूबर 1984, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे। उस समय पार्टी के कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ आना हुआ था। अविभाजित दिल्ली के जिला में जो आज मेरा विधानसभा क्षेत्र है कुंडलदेव, वहाँ से वे सड़क मार्ग से होते हुए राजनांदगांव जा रहे थे। वो 10 से 10:15 बजे रात के आसपास ग्राम टिकरी में उन्होंने गाड़ी रोककर कुछ लोगों से हाथ मिलाया, फूलों की माला दी। हम लोग जो अपने साथियों के साथ ग्राम दिया सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जा रहे थे, भाई जो उपलब्ध बार रोक कर उन्हें भी हमें कोई माला उठा दी। वो आज वो याद आज की चीज स्थायी होकर हमारे 1985 में राजीव गांधी जी जब दिल्ली आए थे, सपरिवार उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के साथ थे, राहुल गांधी जी के साथ थे। वे आदिवासी जनजीवन को करीब से देखने के लिए, कमार जनजाति की विशेष जो जनजाति है उनके जीवन शैली को करीब से देखने के लिए छत्तीसगढ़ आए। आज उनकी याद चिरस्थायी बनकर हुगली निवासी के दिल में मौजूद है। राजीव गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। आज हुगली उनके ग्रह और ग्राम के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी एक सोच थी, एक विचारधारा थी। वे राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा जी की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उसे राजनीति में आना पड़ा। इंदिरा जी की निर्मम हत्या कर दी गई, वे प्रधानमंत्री बने। पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के वे सबसे बड़े लोकतंत्र देश के प्रधानमंत्री बने। युवाओं के प्रति उनकी एक सोच थी, 18 साल के युवाओं को मताधिकार देना और उन्हें जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, यह राजीव गांधी की एक सोच थी। संचार क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, रेलवे का कंप्यूटरीकरण, महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने देश के लिए किया था। आज उसे संचार क्रांति के जनक उनकी एक सोच थी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके जीवन में कैसे बनी, वे हमेशा किसी बंधु की भावना को लेकर चलते थे। शांति उन्हें पसंद था, इसी शांति को लेकर उन्होंने श्रीलंका में शांति के लिए अपनी टुकड़ी भेजी थी, अपनी सेना भेजी थी शांति से, लेकिन अलगाववादियों को निराश नहीं किया और माननीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। उस समय लोग इतने व्यथित हो गए थे, उनकी हत्या के बाद हजारों लोगों ने सिर मुड़वाया था, ये लोगों के दिल में राज कर रहा था। आज उसके खाली खलेगी, उसकी विचारधारा खलेगी और राजीव गांधी जी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने एक सोच कि राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए किसानों से हमने वादा किया था कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे। आज उसके अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान निवास योजना के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का शुरुआत की थी। अभी 20 अगस्त को भी राजीव गांधी के नाम से किसानों के खातों में
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से सीधा पैसा डाला जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी की शहादत के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं भी पुनर्विच्छेद की विधायक होने के नाते, छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव होने के नाते, उन्हें अपने क्षेत्र के मतदाता की ओर से भी सबकी श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।